राजधानी दिल्ली को ही देख लीजिए, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन बारिश में वो सारे के सारे दावे धुल जाते हैं। देखिए किस तरीके से बारिश में सड़कों में गड्ढे निकल आए। दिल्ली की नींद खुली तो सुबह सुबह हादसों की खबर ने होश उड़ा दिए। पहला हादसा इंडिया गेट के बिल्कुल पास हुआ। सुबह सुबह दफ्तर जाने का वक्त था, तभी इंडिया गेट के पास की ये सड़क धंस गई। बीच का हिस्सा धंसा तो अफरा तफरी मच गई। नेशनल आर्ट गैलरी के करीब हुए इस गड्ढे की वजह से वहां दफ्तर जाने वालों की भीड़ सड़क पर दिखी। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए बीच सड़क पर पुलिस और एनडीएमसी ने बैरिकेडिंग लगा दिया। ये देश का सबसे बड़ा वीआईपी एरिया है, जहां पर इंडिया गेट है, जहां पर पटियाला हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम तरह के वडोदरा हाउस है, राजस्थान हाउस है। मैं कहना चाहता हूँ, सोचिए जब ये एरिया सुरक्षित नहीं है तो नॉर्मल एरिया में क्या हाल होगा। दूसरा हादसा पौश इलाका ग्रेटर कैलाश 2 में हुआ। सावित्री सिनेमा के पास सड़क धस गई। मूसलाधार बारिश के बाद जूझ रही दिल्ली के लिए ये नया नहीं था, लेकिन ग्रेटर कैलाश में सड़क धसने के बाद आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद मौके पर पहुंच गए और राहत कार्यों का जायजा लिया। शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो रोहिणी इलाके में भी हालात बिगड़े। वहां सेक्टर 23-24 की रेड लाइट के पास सड़क धंस गई। करीब 10 फीट की परिधि में सड़क पर गड्ढा हुआ तो हड़कंप मच गया।